हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड जेएन की ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मेरा जेएन की ज्योग्राफी का एक लेक्चर रहता है मिनरल्स पे, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आज मैं आप सबको स्पोर्ट्स शुरू करवाने वाला हूँ एंड जेएन की हिस्ट्री भी शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पर। अभिषेक सर आपको पढ़ा रहे हैं। इनिशियली तो मैं ही पढ़ाने वाला था जेएन की हिस्ट्री, लेकिन ऑफिस वर्क एंड बर्डन की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है एंड कुछ दिनों से हेडेक भी बहुत चल रही है, जा ही नहीं रही है। चलिए छोड़िए इसको, मैं ये वीडियो 8 जुलाई को बना रहा हूँ एंड आज रात 8 बजे ही मैं आपका क्विज लूँगा इसी लेक्चर पे टेलीग्राम चैनल पे हमारे। एंड इन केस ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो नेचुरली आपने क्विज भी मिस कर दिया है, इसीलिए मैं कहता हूँ जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसके साथ एक बेल आइकन भी बना हुआ है। आप जब भी उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो तीन ऑप्शन आएंगे आपके पास। पहला होगा ऑल, दूसरा होगा पर्सनलाइज्ड एंड लास्ट होगा नन। आपने ऑल पे क्लिक करना है ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपको इंस्टेंटली मिल जाए। अगर हम टीचर एफर्ट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो मेरिट लिस्ट में आए, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी क्विज और सारी वीडियो टाइम से लगाएं। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा सिलेबस डिवाइडेड है दो भागों में, एक है स्टैटिक एंड एक है करंट। इसमें से करंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। करंट हमारे सिलेबस में अलग से भी मेंशन की गई है और स्पोर्ट्स में भी करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम करंट शुरू करेंगे। टोटल मैं आपको इसके 4 लेक्चर्स दूंगा करंट के, और स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स कम्प्लीट हो जाएगी। स्टैटिक पे मैं एक ही वीडियो में पूरी स्टैटिक आपको कम्प्लीट करवा दूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो कि है करंट अफेयर्स ऑन स्पोर्ट्स पर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं एंड इन 20 क्वेश्चंस का क्विज मैं टेलीग्राम पे लूँगा। तो टेलीग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे मैंने लिंक दिया है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करिए। प्लस आपने इस लेक्चर को पहले ध्यान से सुनना है, देन इसके नोट्स बनाने हैं एंड देन शाम को इसका क्विज देना है। 20 के 20 में सेम क्वेश्चंस डालूंगा इस क्विज में, तो एक भी क्विज का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी पता है तो आपने कोई भी आंसर गलत नहीं देना है। 20 में से 20 हर बच्चे के आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सुनीता लखरा, हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट रिसेंटली, इज अ फेमस इंडियन प्लेयर ऑफ विद स्पोर्ट। सुनीता लखरा ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? और इसका आंसर है हॉकी। सुनीता लखरा इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, वो टीम की डिफेंडर हैं, डिफेंडिंग पोजीशन पे वो खेलती हैं। एंड अगर हॉकी की बात करूं तो यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है कि हॉकी में टोटल 11 प्लेयर खेलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इंडियन क्रिकेटर इज सिलेक्टेड फॉर द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए कौन से इंडियन क्रिकेटर को सिलेक्ट किया गया है? एंड इसका आंसर है के श्रीकांत। के श्रीकांत की अगर बात करूँ तो वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं एंड उन्होंने 1981 से लेकर 1992 तक इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ विनर इन द मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंस इट बिगेन इन 2009 में मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन शुरू हुआ था। इस टूर्नामेंट में इंडिया कितनी बार जीता है? एंड द आंसर इज 3। अगर मैं इसकी बात करूं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पीवी सिंधु जीती थी 2013 में एंड 2016 में भी पीवी सिंधु जीती थी, और जो थर्ड था वो शायद साइना नेहवाल जीती है 2017 में। तब ये 3 आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4th, वेड हु हैज वॉन द हांगकांग ओपन टाइटल फॉर सेकंड टाइम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। वेड जिन्होंने हांगकांग ओपन टाइटल जीता है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? ये क्वेश्चन आपसे उल्टा भी हो सकता था, हांगकांग ओपन टाइटल किसने जीता है, तो आपको नाम भी याद रखना है। जो मैं क्विज शाम को पूछूंगा उसमें मैं ऊपर नीचे जरूर कर सकता हूँ क्वेश्चन को। इसका आंसर है गोल्फ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, विच क्रिकेटर वॉज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ICC ODI एंड टेस्ट टीम ऑफ द ईयर। इसका आंसर है विराट कोहली। आपने मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है 2011 में MS धोनी की कैप्टनशिप में। आपने बताना है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी MS धोनी की कैप्टनशिप में, और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन 6th है, विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 19 जो आईसीसी का टूर्नामेंट होना है उसका होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है, एंड द आंसर इज साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडियन टेनिस प्लेयर रिसेंटली वॉन द WTA हॉबर्ट इंटरनेशनल डबल्स टाइटल। तो WTA हॉबर्ट इंटरनेशनल डबल्स टाइटल किसने जीता था, एंड द आंसर इज सानिया मिर्जा। क्वेश्चन 8 है, हु इज द फर्स्ट सुपर हैवी वेट इंडियन बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक गेम्स, एंड द आंसर इज सतीश कुमार। अगर इनके बारे में थोड़ी बात करें तो 2014 में एशियन गेम्स हुई थी, उसमें भी सतीश कुमार ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और हमें प्राउड फील करवाया था। ही गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन दैट एशियन गेम्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिव्यांश सिंह पनवर हु वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एन इंडियन प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, एंड इसका आंसर है शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2020। कौन सी इंडियन स्टेट है या यूटी है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीती है 2020। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर है महाराष्ट्र। विच इंडियन जैवलिन थ्रोअर हैज रिसेंटली क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स आफ्टर द ANEC मीट एट साउथ अफ्रीका। कौन सा इंडियन जैवलिन थ्रो प्लेयर है जिसने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, एंड द आंसर इज नीरज चोपड़ा। अगर मैं बात करता हूँ नीरज चोपड़ा के बारे में तो नीरज चोपड़ा भारत का एक लौता ऐसा खिलाड़ी है जो एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड लेकर आया है। 12th क्वेश्चन है, बाला देवी हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, एंड द आंसर इज फुटबॉल। अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल भी 11 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है, जैसे हॉकी खेला जाता है, जैसे क्रिकेट खेला जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी 11 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इंडियन स्पोर्ट पर्सन रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, एंड द आंसर इज रानी रामपाल। अगर मैं रानी रामपाल की थोड़ी बात करूं तो 2010 में जो वर्ल्ड कप हुआ था नेशनल टीम में रानी रामपाल खेले थे तब, एंड शी वॉज जस्ट 15 एट दैट टाइम, मतलब 1994 ये बॉर्न है और उस समय इन्होंने खेला, तो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, एंड दैट टू इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टीन सिंक्लेयर हु रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर इन फुटबॉल बिलोंग्स टू विच कंट्री, एंड द आंसर इज कनाडा। एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, फुटबॉल में लीडिंग गोल स्कोरर जो बने हैं जिनका नाम है क्रिस्टीन, ये कौन सी कंट्री के हैं, ये है कनाडा के। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु क्लिंच्ड द मेन सिंगल टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट इन 2020। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेनिस का क्वेश्चन है। अगर आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलटन एंड US ओपन, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर आना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलटन एंड US ओपन पे खत्म होता है। आंसर देखते हैं इसका, एंड द आंसर इज नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, एंड पीछे न्यूज आई थी कि ये कोरोना पॉजिटिव फाउंड हुए थे। आई होप ही इज डूइंग वेल राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं, राखी हल्दर हु वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। राखी हल्दर कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं, एंड द आंसर इज वेट लिफ्टिंग। राखी हल्दर की अगर मैं बात करूं तो शी हैज रिसेंटली वॉन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसीलिए मैंने इनको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ये इन्होंने 64 kg कैटेगरी में जीती है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सिटी विल प्ले होस्ट टू 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो किस सिटी में होगी, एंड द आंसर इज ब्रिमिंगम। देखिए दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पहला मैं पूछ चुका हूँ आपसे महेंद्र सिंह धोनी चैंपियंस ट्रॉफी वाला, सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्रिमिंगम किस कंट्री में है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का आंसर आपने नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। पहला MS धोनी चैंपियनशिप वाला है, एंड सेकंड है ब्रिमिंगम किस कंट्री में है। क्वेश्चन 18 है, विच स्पोर्ट्स कोच हैज रिसीव्ड एन ऑनरेबल मेंशन इन द मेल कैटेगरी ऑफ द प्रेस्टिजियस 2019 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड द आंसर इज P गोपीचंद। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनको अर्जुना अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है,
द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विच फेमस क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिसीव एलन बॉर्डर मेडल फ्रॉम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया? एंड द आंसर इज डेविड वार्नर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको एलन बॉर्डर मेडल मिला है? तो आंसर है डेविड वार्नर। 20th क्वेश्चन है, कोब ब्रायंट हु इज रिसेंटली डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश वॉज अ लेजेंडरी पर्सनैलिटी ऑफ विच स्पोर्ट? एंड द आंसर इज बास्केटबॉल। बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, मैंने इन्हें काफ़ी फॉलो किया है। तो इस वीडियो से इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने पूछे हैं। पहला ये था कि हमने चैंपियनशिप ट्रॉफी MS धोनी की कैप्टनशिप में कब जीती थी, और सेकेंड है ब्रिमिंगम सिटी कौन सी कंट्री के अंदर आती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।